नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा दमखम इस चुनाव में लगा दिया है। इसी कड़ी में चिराग पासवान भी प्रचार करने के लिए उतरे हैं और ये तस्वीरें सबसे पहले देखिए कि नाव पर सवार होकर चिराग पासवान कुशेश्वर विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं। बारिश हो रही है और एक तरह से कह सकते हैं कि चिराग पासवान जो है बीते 2-3 दिनों से लगातार अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चुनाव जो है उनके लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई उसके बाद ये पहला चुनाव है जहां पर वो उतरने जा रहे हैं चुनावी रण में। इस बार पार्टी का सिंबल भी बदल गया है चिराग पासवान का, यहां तक कि पार्टी का नाम भी बदल गया है। चिराग पासवान एक तरफ से इस चुनाव के ज़रिए खुद की शक्ति को दिखाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि जब से उनकी पार्टी में टूट हुई उसके बाद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर निकले, पूरे बिहार भर का उन्होंने दौरा किया और लगातार ये कहते रहे हैं कि जो युवाओं में खासकर उनके प्रति एक दीवानगी, एक जुनून दिखता है और जो जनता का प्यार और स्नेह पूरी यात्रा के दौरान उन्हें मिला। लेकिन चिराग पासवान इस चुनाव के ज़रिए ये बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनके पास उनका वोट बैंक जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। ये तस्वीरें जो आप विजुअल स्क्रीन पर देख रहे हैं कुशेश्वर स्थान के, जहां पर नाव पर सवार होकर चिराग पासवान अपने अंदाज में प्रचार कर रहे हैं, लोगों से उनका हालचाल पूछ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि वोट जो है वो हमारी पार्टी को दिएगा, हम इलाके में विकास करेंगे। और खबर बता दें कि कल से चिराग पासवान जो है कि वो तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा संभालेंगे। तारापुर विधानसभा क्षेत्र जो है उनके संसदीय क्षेत्र में ही पड़ता है। तो कुल मिला कहें तो चिराग पासवान के लिए ये चुनाव काफ़ी अहम है। कितना वोट उन्हें मिलता है ये दिखाएगा कि चिराग पासवान की असल राजनीतिक हैसियत पार्टी में टूट होने के बाद आखिर है कितनी। इस बीच तेजस्वी यादव भी पूरे दमखम के साथ दोनों सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लगे हुए हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन 30 अक्टूबर को दोनों विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, उससे पहले बिहार में प्रचार का दौर जो है वो पूरी तौर पर सवाब पर है। सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, कहीं एक तरह से कह सकते हैं कहीं डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है। तो चिराग पासवान एक अलग अंदाज में डोर टू डोर कैंपेन तो कर ही रहे हैं, नाव पर सवार होकर भी लोगों से वोट मांगते हुए दिख रहे हैं।